दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर ली है और अब आपका सपना है जज या वकील बनने का, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम क्लैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जिसे पास करने के बाद कैंडिडेट भारत के जाने माने गवर्नमेंट कॉलेज से BA LLB का कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें जज या वकील बनने में आसानी होती है। तो क्लैट एग्जाम क्या होता है, कौन से कैंडिडेट यह एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए कितने प्रतिशत नंबर होने चाहिए, एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आती है, उनकी फीस कितनी होगी, इसके लिए फॉर्म कब आएगा और आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, आदि सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, क्लैट का पूरा नाम होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। यह एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि दो तरह से लिया जाता है, क्लैट UG और क्लैट PG के नाम से। क्लैट PG पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है, जिसे ग्रेजुएशन पास करने के बाद दे सकते हैं, और क्लैट UG अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है, जिसे 12th पास करने के बाद दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लैट UG के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्जाम हर साल मई या जून के महीने में लिया जाता है। इसके लिए किसी तरह की कोई आयु सीमा की रिक्वायरमेंट नहीं होती और सभी 12th पास कैंडिडेट, चाहे उसने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास की हो, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस जनरल और OBC कैंडिडेट के 12th में 45% नंबर होने चाहिए और SC ST वालों के 40% नंबर होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम प्रोसेस की। तो इसके एंट्रेंस एग्जाम में 150 नंबर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज के 28 से 32 प्रश्न, यानी पूरे पेपर के लगभग 20% प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से 35 से 39 प्रश्न, यानी पूरे पेपर के लगभग 25% प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार लीगल रीजनिंग के 35 से 39 प्रश्न, यानी पूरे पेपर के लगभग 25% प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 28 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पूरे पेपर के लगभग 20% प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक से 13 से 17 प्रश्न, यानी पूरे पेपर के लगभग 10% प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसमें प्रश्नों का लेवल 12th बेस होता है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग के इस पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी तरह आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को देखते हुए अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, इनका सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इस एग्जाम को पास करने के बाद कैंडिडेट की रैंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और उसी के हिसाब से सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दे दी जाती है, जहां से कैंडिडेट अपना BA LLB का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हमारे देश में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसका नाम AILET एग्जाम होता है। इसका सिलेबस भी लगभग समान ही होता है। और बाकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इस प्रकार हैं: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज कोची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी असम गुवाहाटी, दामोदरम संजीविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम,
तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिची, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। तो ये 22 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें अलग अलग नंबर्स ऑफ सीट्स होती है जो कि क्लैट एग्जाम की रैंक के आधार पर भरी जाती है। और दोस्तों बीए एलएलबी का कोर्स 5 साल का होता है और इन सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इस कोर्स की फीस अलग अलग होती है जो कि 1,83,000 से 2,85,000 रुपये प्रतिवर्ष के लगभग होती है, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ की फीस सबसे कम है जो कि 1,08,000 से 1,83,000 रुपये प्रतिवर्ष के लगभग है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्लैट एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म की जो कि जनवरी फरवरी के महीने में भरा जाता है और इसका एग्जाम मई या जून के महीने में कंडक्ट किया जाता है, जिसकी एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी वालों के लिए 4,000 रुपये और एससी एसटी वालों के लिए 3,500 रुपये के लगभग होती है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको गूगल पर कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in सर्च करना होगा, जिसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहीं पर आपको इम्पोर्टेंट इवेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स दिख जाएगी, जिसके बाद सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद दोबारा से यहां पर लॉगिन करना होगा, जिसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जहां पर अंडर ग्रेजुएट पर आपको क्लिक करके अप्लाई फॉर क्लैट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स बड़ी सावधानी से यहां पर भरनी है। तो इस तरह आप क्लैट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर बीए एलएलबी करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बीए एलएलबी करने के बाद आप जुडिशियल एग्जाम देकर जज बन सकते हैं, या एपीओ का एग्जाम देकर सरकारी वकील बन सकते हैं, या सिविल सर्विस का एग्जाम देकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकते हैं। इसके साथ ही आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम कर सकते हैं, और अगर मीडिया फील्ड में आपको जाना है तो लॉ रिपोर्टर बन सकते हैं, कॉरपोरेट काउंसलर बनके कंपनियों को अपनी कानूनी सलाह देने का काम कर सकते हैं, और अगर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप एमबीए या एलएलएम आदि कोर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्लैट एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।